तो वैसे ये देखिए टाटा टियागो टॉप मॉडल, इसमें आपको सेफ्टी पर्पज से सब मिल जाता है ये गाड़ी में। ये मारुति जैसी नहीं है, और आपको देखिए आगे का प्रोफाइल देखिए कैसी अच्छी दिख रही है ये। और यहाँ पे देखिए हेडलैम्प मिल जाते हैं या फॉग लैम्प मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आपको हर चीज़ वाइपर सेंसर मिल जाएंगे, इसकी इंटीरियर भी बहुत अच्छी दिखती है। और आप साइड से देखेंगे कितनी स्लिम बॉडी दिखती है ये गाड़ी। इसके एलॉय भी मिल जाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो आप, देखिए सिल्वर कलर के एलॉय, ब्लैक कलर के फिनिशिंग में आपको मिरर मिल जाएंगे, क्रोम हैंडल में आपको सेंसर मिल जाएंगे, यहाँ पे एक सेंसर है वो देखने को मिल जाएंगे। और आपको ये देखिए यहाँ पे रूफ, देखिए यहाँ भी रूफ भी ब्लैक किया गया है इसमें, ये भी अच्छे दिखते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर क्रोम मिल जाएंगे आपको, पीछे भी एलॉय मिल जाएंगे आपको लगे हुए। अब बैक में जाइएगा तो आपको देखेगा टाटा टियागो की बैजिंग, यहाँ पे लैंप ऐसे रहेंगे, यहाँ पर डिफो होगा, यहाँ पे देखिए सेंसर दिया गया है टाटा की बैजिंग, यहाँ पे देखिए वाइपर सेंसर दिया गया है यहाँ पे जो निकल जाएगी आपकी, यहाँ कैमरा दिया गया है, यहाँ सेंसर भी दिया गया है, दो सेंसर है यहाँ पे और दो एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये है बिल्ड क्वालिटी भाई, साइड से भी आप देख सकते कितनी अच्छी दिखती है। अपनी फैमिली के लिए ये बेटर गाड़ी है सेफ्टी के पर्पज़ में, अंदर आपको ले चलते हैं चलिए। तो गाइस अंदर में आपको देखिए ये ब्लैक फिनिशिंग मिलेंगे, थोड़ी हार्ड है ये प्लास्टिक है, थोड़े दो बोतल होल्डर रख सकते हैं आप, यहाँ स्पीकर मिल जाएंगे आपको, मिरर के कंट्रोल्स या विंडोज से कंट्रोल मिल जाएंगे आपको। ये देखिए सीट लेदर के मिली कुशिंग है, ये आपको हैरियर जैसे चाबी दिखेंगे आपको इसमें भी। तो वैसे हैंडल की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट है, यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट दिया गया है, और ये देखिए इंस्ट्रूमेंट एलसीडी बहुत अच्छी दिख रही है इसमें। यहाँ पे एसी के कंट्रोल है, यहाँ पे ये 5 मैनुअल गियर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ स्पेस है रखने के लिए, यहाँ डिफोगर, यहाँ पे आपको देखिए स्मूथ मिल जाएंगे बहुत अच्छे दिखे। यहाँ पे देखिए माइक का जो सिस्टम है वो दिया गया है, और एलसीडी दूरी भी देखिए ये बहुत अच्छा वो होल्डर है, यहाँ पे दिया गया है लाइट कर, 4 ट्विटर का सिस्टम है और JBL हरमन का यूनिट दिया गया है तो अच्छा ही लगेगा। स्पेस की बात करें तो ज्यादा स्पेस नहीं है, मतलब इस साइज की गाड़ी में ज्यादा स्पेस तो नहीं मिल पाएगा आपको। बाकी ब्रॉडनेस की अगर बात करें तो हाँ बैठ जाएंगे 2 लोग प्रॉपरली अच्छे से हेल्दी, लेकिन 3 लोग बैठाने में दिक्कत होगी, बच्चे बैठ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, पीछे कोई एसी वेंट्स की सुविधा नहीं दी जाती आपको, तो इसके लिए आप जो है चिंता से मुक्त हो जाओ कि पीछे आपको हवा खाने का अवसर मिलेगा, नहीं मिलने वाला भाई, क्योंकि पैसे मतलब समझ जाओ 8 लाख के आसपास जो आप खर्चोगे इस गाड़ी के लिए, और आपको मिलेगी प्रॉपर सेफ्टी। और बूट की बात करें तो यहाँ पे जो है बूट यहाँ पे आपको देखो ठीक ठाक समय देखने को मिल जाता है, बाकी पार्सल ड्रे आपको मिल ही जाता है। और ये देखो ये क्या पता है भाई, वो जो मैंने बताया ना वॉशर वाले जो है नोजल, वो उसके लिए एक प्रॉपर यूनिट बना दी गई है। तो कुछ ये था भाई इस तरह का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, और अपनी फैमिली के लिए चाहिए टाटा टियागो एनआरजी तो खरीद लो बिना दिक्कत, बहुत अच्छी है।